Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, I'll be discussing with you which are the top medical colleges in India, or saath hi saath, you know, what is their fee structure and the number of seats. Isse pehle ki main aapke saath ye data share karna start karu, ya इनमें से किसी भी मेडिकल कॉलेज की सीट ग्रैब करने के लिए 680 प्लस इज दैट स्कोर यू शुड बी एमिंग फॉर, यानी कि उससे कम में तो डेफिनेटली बात नहीं बनेगी. जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली. आई थिंक ये जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का फर्स्ट चॉइस होता है. दिस इज देयर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. और वैसे भी इट हैज बीन रैंक्ड वन बाय NIRF 2021 रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो. और यार अगर फीस की बात करें तो इट इज अराउंड 6875, आप समझ रहे हो. और ये एक ईयर या टू ईयर का नहीं है, पूरा 5 ईयर्स, जिसमें कि सारा का सारा मतलब आपकी पूरी MBBS हो जाएगी, सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड हैं. और नंबर ऑफ सीट्स आप देख लो, 107, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसीलिए इतना मैसिव कॉम्पिटिशन है. बट आप समझिए जरा कि कहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप लैक्स एंड लैक्स इतना ज्यादा फी पे करते हो यार. और यहाँ पर दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और इतने में यू नो आप बेस्ट फैकल्टीज के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज के साथ इंडियाज बेस्ट यानी कि टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेते हो, बट उसके लिए एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है. सो आपको भूलना नहीं है, अगर आप एम्स दिल्ली आप अपना टारगेट रख रहे हैं तो आपको वो परफेक्ट स्कोर जिसको कहते हैं ना 720 on 720, उसके हिसाब से तैयारी करनी है. और नेक्स्ट हमारे पास आता है MAMC, विच इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. यार देखो फीस की अगर बात करें तो ये पूरा 5 ईयर्स का ही है, विच इज 15,450, और सीट्स इसमें आपकी रहती है 250. इट वॉज रैंक थर्ड बाय इंडिया टूडे एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. इसी के साथ साथ दिस इज ऑल्सो क्वाइट रेप्यूटेड कॉलेज फॉर स्पेशलाइजेशन. आप आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, MD MS, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स. देन वी हैव आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे. यार देखो AFMC, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये अलग से एम रहता है कि यू नो AFMC में एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ इन अ वे आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन करते हैं. और यहाँ पर आप जब एज अ डॉक्टर एब्जॉर्ब होते हैं तो आपको कैप्टन का रैंक मिलता है. सो देर इज दिस अलग वाला फीलिंग है ना. और अगर बात करते हैं फी का, सो इट इज 31,870 फॉर द फर्स्ट ईयर, और सीट्स आपकी 150 है. लेकिन यार एक्चुअली ना यहाँ पर ये जो फी लिखा है ये अ मेजर चंक ऑफ दिस फी इज एक्चुअली रिफंडेबल, ठीक है. तो ऑलमोस्ट कोई खास आपका एक्सपेंसेस होता नहीं है, इसमें से काफी सारा जो है रिफंड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, विच इज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ PG मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पॉन्डिचेरी, जिसके लिए अभी तक कुछ टाइम पहले तक हम जिपमर का एग्जाम की तैयारी करते थे. आज भी तुम PYQ तो कर ही लेते हो जिपमर के, है ना, लेकिन अभी एंटायरली नीट बेस्ड हो गया है. और दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो MBBS करने के बाद जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना. सो ये कॉलेज बहुत बढ़िया है यार उसके हिसाब से. अगर आप आगे PhD परस्यू करना चाहते हैं या रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, देन दिस इज वन ऑफ द कॉलेज. नेक्स्ट हमारे पास आता है VMMC, यानी कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग न्यू दिल्ली. अगर हम बात करते हैं VMMC की तो नो डाउट यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे, जहां पर मैक्सिमम जो आपके टीचर्स हैं वो डॉक्टर्स ही हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में. तो VMMC की अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका फी इज अराउंड दिस मच, और सीट्स इट इज अराउंड 170. तो यार देख लो आप, कॉलेज तो बढ़िया है, सब सही है, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो कंपटीशन मैसिव है, तो आपको यू हैव टू बीट दैट कंपटीशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. देखो यार मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली आपका शुरू हुआ था
डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और यहाँ पर जो आपकी यू नो क्लिनिकल पोस्टिंग्स थी वो हुआ करती थी मेरठ मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया टू सफदरजंग हॉस्पिटल्स, और अभी इट इज एसोसिएटेड विद गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल. तो दिस इज अगेन वन ऑफ दोज प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स. और अच्छा, फी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं तो यार काफ़ी डिसेंट है. इट इज़ अराउंड 30,870 और सीट्स आपकी अगेन 170. नेक्स्ट हमारे पास आता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ. तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर यार ये है. और इतना खूबसूरत, इतना मतलब कितना सुंदर कैंपस दिखाई दे रहा है ना, कि देखते ही अगर कोई कहे कि आप कहाँ पढ़ना चाहोगे, तो अगर केवल देखने से बताया जाए तो शायद आप यहाँ पर जाना चाहेंगे, है ना. और उतना ही नहीं, मतलब कि आप देख सकते हो कि एम्बियंस तो बहुत अमेजिंग है ही, साथ ही साथ this is no doubt one of the best colleges you know in the country. uske baad fee structure ki hum baat kar lete hain, which is this much 1.26 lakh, pura 5 years ka hai, theek hai. it is not ki main 1 year ka bata rahi hu, pura 5 years ka hai. aur sath hi sath yaar matlab 5.5 years ho gaya ek tarike se, to aap isko aisa breakdown kar kar dekh lo, to utna zyada nahi hai, quite decent. to matlab aisa nahi hai ki aapko bahut zyada koi you know fee pay karna padega. इसी के साथ साथ जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ऑब्वियसली सीट किसी भी मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा नहीं है, सो यहाँ पर भी आपका कितना है 250. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जहां पर दिस इज द फी एंड सीट्स अगेन लिमिटेड टू 100. देन नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी. यार देखो, यहाँ पर अगर आप यू नो BHU वाराणसी इनकी इसकी बात करते हो, तो कॉलेज बहुत अमेजिंग है और इसको 6th रैंक मिला था 2019 में बाय NIRF. और साथ ही साथ यू नो इट इज क्वाइट वेल नोन एंड रेप्यूटेड फॉर आयुर्वेदिक कोर्सेज, डेंटिस्ट्री के लिए भी काफ़ी जाना जाता है. 4 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर फॉर डेंटिस्ट्री एंड 11 डिपार्टमेंट्स फॉर आयुर्वेदा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं 200 और फी तो यार बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है. दिल्ली वाले जितने हैं तुम्हारे लिए, तो यार मतलब तुम्हारे आसपास आजू बाजू इधर बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, प्रीमियम कॉलेजेस हैं, और ये आपका एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज है, ऑल वुमेन्स कॉलेज है. तो जितने भी हमारे बॉयज हैं वो उनके लिए नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए दिस इज अ वेरी गुड यू नो ऑप्शन. उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास आता है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई. ये एक्चुअली आपका थर्ड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, और यहाँ पर भी अलॉन्ग विद MBBS बहुत सारे दूसरे भी रेप्यूटेड कोर्सेज हैं, लाइक BPT और BSc नर्सिंग, है ना, वो भी आप परस्यू कर सकते हो. एक बारी मैं आपको फी और सीट्स दिखा देती हूँ. सीट्स अराउंड 250 है और फी आपका इतना रहता है, ठीक है. जो फी लिखा है दिस इज पूरा टोटल फी फॉर द कोर्स, और केवल जितना था जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ईयर का फीस बताया, राइट. और ऐसे ही AFMC में. देन हमारे पास आता है ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद. यार देखो, इसको 16th रैंकिंग मिला था 2019 में बाय आउटलुक इंडिया, एंड इट वाज रैंक 20 बाय इंडिया टुडे. और साथ ही साथ इसको पहले जाना जाता था हैदराबाद मेडिकल स्कूल के नाम से. अगेन अच्छा है, रेप्यूटेड है, अच्छा एम्बियंस है आपको, मतलब ऑल इन ऑल अच्छा एटमोसफेयर मिलता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है. सीट्स और फी आपके सामने है, इट इज़ अराउंड 75K और सीट्स आपकी कितनी रहती है 250. देन नेक्स्ट हमारे पास है BJ मेडिकल कॉलेज, विच इज इन अहमदाबाद. एक्चुअली ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस है अहमदाबाद में, और नंबर ऑफ सीट्स की अगर आप बात करते हो तो इट इज 250 और फी आपका इस तरीके से है. ऑफकोर्स आप इसको ब्रेक डाउन कर देख सकते हो कि पर ईयर आपका कितना जाता है, तो थोड़ा डिसेंट ही निकल कर आएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फी है, स्पेशली एज कंपेयर टू मेनी प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया. और अगेन यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी फेमस है, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, और उनका फी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, नंबर ऑफ सीट्स कैसे है. आपका फेवरेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ ही साथ वॉट इज इट मोर दैट यू वुड वॉन्ट मी टू शेयर विद यू,
एंड यार अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम ऑन क्विकली हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल टू फॉलो अप ऑल द वीडियोज हियर। एंड साथ ही साथ अभी तक पक्का ही आपने इफ यू लाइक इट, इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, तो आपने ये वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे दिया है। और साथ ही साथ भूलेगा नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन विद सम अदर वीडियो। थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।